कई बार एक सवाल हमारे मन में पैदा होता है कि अगर हमारे स्वर्गीय प्रियजन, हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमें मदद करने के लिए हमारे साथ हैं, तो क्यों हमें उनकी गाइडेंस स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं मिल पाती? क्यों हम स्पष्ट रूप से उनके मैसेज क्यों नहीं सुन पाते? हमारे मार्गदर्शक हमारी सहायता हमेशा करते हैं, लेकिन अक्सर हम उसे समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर, आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकलने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस एड्रेस पे आपको ने जाना है, जो एड्रेस आपने किसी कागज़ पर लिख के रखा था, वो तो मिल ही नहीं रहा है। कैसे तैसे आप वो एड्रेस ढूंढते हैं। जब आप अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। किसी तरीके से आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं और उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां आपको जाना है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि क्यों मेरे को वहां पहुंचने में इतनी देर लग रही है, रास्ते में इतना जाम मिल रहा है, मैं उस रास्ते से वाकिफ भी हूँ, उस एरिया से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे वो एड्रेस नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से जब आप उस इमारत का पता लगा लेते हैं जहाँ आपने जाना है, तो फिर आप देखते हैं आपको कार पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही है। जब आप उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गेट पे तो लॉक लगा है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर आप दूसरा साइड से रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और उस बिल्डिंग में पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब आप लिफ्ट के जरिए उस फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है लिफ्ट ही काम नहीं कर रही है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के वहां तक जाना पड़ता है। और इतना सब करने के बाद जब आप उस ऑफिस तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां एक नोटिस बोर्ड लगा है कि आज ऑफिस बंद है, या ऑफिस को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इस कहानी के अंदर बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारी गलत दिशाएं हैं, बहुत सारे गलत मोड़ हैं, बहुत सारे बंद दरवाजे हैं। बस यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो बहुत बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल से सुराग हैं जिनका निरीक्षण करने की ज़रूरत आपको है। यहाँ पे मार्गदर्शक आपको अलग-अलग तरीकों से, एक तरह से बहुत सूक्ष्म सुराग दे रहे हैं और किसी कार्य को करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपका कर्म लागू होता है कि आप उनकी इस, जो वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे किस हद तक रिसीव कर पाते हैं। और जब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप नहीं संभलते और आप उस व्यक्ति से मीटिंग करते हैं और उसके साथ एक बिजनेस डील करते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने बिजनेस डील की थी वो तो एक फ्रॉड कंपनी थी, और वो व्यक्ति तो आपके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। ये टीचर के तरफ से दिए गए हिंट जैसे हैं, बस आपको उन हिंट को पकड़ के एक कड़ी जोड़ने की जरूरत आपको है। और ये चीज सकारात्मक तरीके से भी घटित हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं है, आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, आप एक दिन बस यूं ही बैठे हैं, आपका दोस्त का फोन आपको आता है, वो दोस्त जिससे आप काफी समय से नहीं मिले हैं, जिससे आपकी कोई बहुत गहरी दोस्ती भी नहीं है, लेकिन वो आपको लंच पर बुलाता है। आप ना जाने का फैसला भी ले सकते थे, लेकिन आपने उससे मिलने का फैसला लिया। और कोइंसिडेंटली आप देखते हैं कि आपके पास कुछ काम है करने को, लेकिन जिस दिन आपका मित्र आपको लंच पर इनवाइट कर रहा है उस दिन आप टोटली फ्री हैं। आप अपने मित्र से मिलने का फैसला लेते हैं। जब लंच पर आपकी मुलाकात आपके मित्र से होती है तो बातों बातों में आप जिक्र करते हैं कि आप आजकल जॉबलेस हैं और आपको किसी अच्छी नौकरी की तलाश है। इस पर आपका मित्र कहता है कि मैं अपने ऑफिस में नजर रखूंगा, अगर कोई जॉब उपलब्ध हुई तो मैं तुझे बताऊंगा। और एक दिन बाद ही आपके दोस्त का फोन आपके पास आता है कि उसके ऑफिस में एक जॉब उपलब्ध है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत आसान था और आपको इजीली वो जॉब मिल जाती है। अब जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये संयोग से हुआ, ये भाग्य से हुआ, यहाँ पे कुछ लक काम कर रहा था। इसे हम लक कहते हैं, संयोग कहते हैं, भाग्य कहते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा मार्गदर्शक हमें
या हमारे स्वर्गीय प्रियजन वो हमें गाइड कर रहे थे, और वो व्यक्ति आसानी से अवचेतन रूप से उनकी गाइडेंस को प्राप्त कर रहा था और उसके मुताबिक कार्य कर रहा था। यहाँ पे भावना ने काम किया, जैसे कि वो व्यक्ति जो नौकरी की तलाश में था, उसने अपनी भावना से जो उसको संकेत मिलते चले गए, जो उसकी फीलिंग थी, इनर फीलिंग थी, उसने उन संकेतों के साथ कार्यवाही करनी शुरू कर दी। यानी कि उसके मन में कहीं ना कहीं उसने अपने आप को ढीला छोड़ा हुआ था, मैं अपने एक मार्गदर्शक का अनुसरण करूंगा, ये वाला भाव, एक छुपा हुआ भाव उसके अंदर था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकृति के हवाले करके चल रहा था। इसी तरह का एक केस जेम्स वोंग के पास भी आया। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसे उसकी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी द्वारा गाइडेंस प्राप्त हो रही थी, और वो बहुत ही इजीली उस गाइडेंस को प्राप्त कर पा रहा था। उस व्यक्ति ने बताया कि जब वो उसने उसे एक मकान लेना था, जब वो उस मकान को लेने के प्रोसेस को याद करता है तो उसे हैरानी होती है कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो घर उसकी गोद में आके गिरा हो। न सिर्फ उसे बहुत आसानी से जैसा घर वो चाहता था वैसा घर उसे मिल जाता है, और वो उसकी बजट की रेंज में भी था, और ऐसे लग रहा था जैसे जब वो उस मकान को खरीदने के लिए किस प्रकार से किश्तें चुकाएगा के विषय में सोच रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे ऋण देने वाला व्यक्ति खुद उसके पास आके कहता है कि मैं तुम्हारी इस मकान को लेने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। यानी उसे पैसे का प्रबंध कहाँ से करना है, उसके लिए भी अधिक कहीं खोज खबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत आसानी से उसने पैसे का जुगाड़ भी कर लिया और वो मकान बड़ी आसानी से खरीद लिया, और कुछ ही दिनों के अंदर वो उस मकान में प्रवेश भी कर गया। और जब जेम्स वोंग के साथ उसकी बैठक हुई तो उसमें स्पष्ट उसकी स्वर्गीय पत्नी ने ये कहा कि ये सारे जो संकेत थे, जो इजीली ये कार्य होते चला जा रहा था, उसके मन में भाव था एक मकान खरीदने का, जिस प्रकार का मकान खरीदने का भाव था उसी प्रकार के मकान का उसे एक संदेश मिलता है कि ये मकान यहाँ पर उपलब्ध है, और सारी स्थितियाँ इस तरह की बनती हैं कि वो उस मकान को खरीद ले। ये सब इन सब के लिए जो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन उसकी स्वर्गीय पत्नी द्वारा उसे किया जा रहा था। और ये मार्गदर्शक हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे वो मार्गदर्शक भी हो सकते हैं जिनसे हम अपने पूर्व जन्मों में जुड़े रहे हैं, वो पूर्व जन्मों के संबंधी हैं, या वो हमारे इस जन्म के संबंधी हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकते हैं, वो हमारे हमारे साथ कभी सकर्म संबंधों में आए ही नहीं, वो हमारे कभी किसी ब्लड रिलेशन में हमारे साथ रहे ही नहीं, वो हमारे मित्र के रूप में या किसी रिश्तेदार के रूप में कभी हमारे साथ थे ही नहीं, लेकिन वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और वो कौन से मार्गदर्शक हैं? ये वो मार्गदर्शक हैं जो जो लक्ष्य आपका है उसी तरह के लक्ष्यों के लिए वो अपने जब वो जीवित थे, जब वो इस धरती पर थे, जीवन जी रहे थे, उन्हीं प्रकार के लक्ष्यों के लिए उन्होंने अपने जीवन को जीवन में कार्य किया और उन लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो अलग अलग प्रकार के आपके मार्गदर्शक हैं जिनसे अलग अलग तरह की आपको गाइडेंस मिलती है। जैसे कि हम अब तक समझ चुके हैं कि एक कनिष्ठ मार्गदर्शक है, एक वरिष्ठ मार्गदर्शक है। कनिष्ठ मार्गदर्शक आपको जीवन की जो आपके जीवन की जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो साधारण तरीके से आपकी लाइफ का लक्ष्य है जिसे आपने हासिल करना है, उसके लिए आपको गाइड करती हैं। स्वर्गीय प्रियजन भी इसी तरह से गाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वर्गीय प्रियजनों का स्तर उनसे बहुत नीचे होता है, और जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं ये अधिकतर हमारे स्पिरिचुअल मार्गदर्शक होते हैं। हमारे प्रियजन वो जब जीवित थे तब भी वो हमारे लिए अच्छा सोचते थे, और मृत्यु के बाद जब वो अब फिजिकली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब भी वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए वो हमारी सहायता करते हैं। और मृत्यु के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि अब वो भविष्य जानते हैं। जब तक वो फिजिकली इस दुनिया में थे तब तक तो वो आपकी मदद करना करते थे, लेकिन वो फिजिकली इस दुनिया में थे तो वो आपके भविष्य को तो नहीं जानते थे, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को तो नहीं जानते थे, वो उस प्रकार से तो आपकी मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन मृत्यु के बाद की दुनिया में जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है जिसका वो पूरा फायदा उठाते हैं कि अब वो आपके भविष्य को जानते हुए आपकी मदद कर सकते हैं।
और इन सबसे अलग जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक होता है, जिनके अंडर में 3 से 4 या 5 आत्माएं भी हो सकती हैं, ये जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं ये अधिकतर हमें स्पिरिचुअली गाइड करते हैं। जिन भी आत्माओं का जो एक है भौतिक जगत में आप अपने आप अपना कल्याण कर रहे हैं, एक है आप अपनी आत्मा के स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हैं, ये कार्य हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक द्वारा होता है। और अधिकतर हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हमें स्पिरिचुअल गाइड करने के लिए ही हमारे साथ होते हैं। उनकी जो सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से हमें डायरेक्शन मिलती है वो स्पिरिचुअल वे में मिलती है। वैसे तो और भी अनेकों तरीके हैं जिसके द्वारा हमारे मार्गदर्शक हमसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो अधिकतर जो मार्गदर्शक का कम्युनिकेशन हमारे साथ होता है, क्योंकि वो भी क्योंकि हम धरती पे हैं, हम कर्म के दायरे में आते हैं, हमारे मार्गदर्शक हमें स्पष्ट हमें आने वाले भविष्य यूं नहीं बता सकते, वो भी एक दायरे में बंधे हुए हैं, कुछ लॉज उन पर भी लागू होते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार एक सवाल हमारे मन में पैदा होता है कि अगर हमारे स्वर्गीय प्रियजन, हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमें मदद करने के लिए हमारे साथ हैं, तो क्यों हमें उनकी गाइडेंस स्पष्ट रूप से